मेरे साथी प्रदीप त्रिपाठी जी निया का नियावाकी पद्धति से प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। आश्चर्यचकित रहा हूँ कि इसी बेरन लैंड पर, बंजर जमीनों पर किस तरह से घने जंगल खड़े किए जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी इस कार्यशैली को, इस पद्धति को राजस्थान में भी पहुंचाया जाए, क्योंकि राजस्थान में हर एक ग्राम पंचायत के पास 2000, 5000, 10000 बीघा जमीनें होती हैं और वो बंजर जमीनें होती है, लोगों का अतिक्रमण होता है, उस जमीनों का उपयोग नहीं होता है, या तो अवैध माइनिंग होती है या शहरों का कचरा डाला जाता है। उन चारागाहों पर अगर इस पद्धति से वृक्षारोपण किया जाए तो बड़े जल्दी और बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस पद्धति से वहाँ का वन्य जीव बचाया जा सकेगा, जैसे वहाँ का तीतर अपने आप को बाज से बचा कर रखता है, वहाँ का खरगोश, तीतर, मोर, खरगोश और इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर हैं उनको बचाना भी पेड़ों से बचाना कम नहीं है। पेड़ बचेंगे तो फिर वहाँ का वन्य जीव भी बचेगा और वन्य जीव बचेगा तो फिर प्रकृति की चैन वापस बनेगी और लोग गांवों की तरफ आकर्षित होंगे और गांवों की तरफ आएंगे। पिछले लगभग 17 साल से मैं बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति का आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज मुंबई में प्रदीप जी त्रिपाठी द्वारा किए गए कामों को देखने का अवसर मिला है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर काम किया है। इस काम को आप आगे और बढ़ाते रहें और हमारे पीछे एक नई टीम तैयार करके और आप आगे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे प्रेरणा लेकर देश का हर व्यक्ति इस तरह का काम करेगा तो हमारा देश, हमारी धरती सोने की चिड़िया बन पाएगी जो पूर्व में थी और लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिल पाएगा। मैं मानता हूँ इस सृष्टि के ऊपर इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है जो आप कर रहे हैं। मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही चाहूँगा कि इस काम को आप लगातार आगे बढ़ाते रहें और जहाँ आपको लगता है कि हम जैसे लोग जो सालों से इस काम को कर रहे हैं अगर हमारा कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम सदैव आपके साथ हैं। बहुत बहुत